जी बिल्कुल, कल एक घंटा बारिश हुई और इस वक्त 24 घंटे तकरीबन बीत चुके हैं, 24 घंटे से भी ज़ायद हो चुके हैं और मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पे पानी खड़ा हो गया है, गंदा पानी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वासा की टीम्स अब तक इस पानी को हटा नहीं सकी। इसी तरह चौक शहबाज पे भी इस सड़क का बुरा हाल है, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो। लोगों को शदीद मुश्किलात का यहाँ पर सामना है, ट्रैफिक भी गुजर रही है, लोग भी गुजर रहे हैं, मस्जिद भी है, घर भी हैं, दुकानें भी हैं। शहरी जो हैं शदीद मुश्किल में है। शहरियों से ही बात कर लेते हैं कि ये वासा की कारकर्दगी पे क्या कहना चाहेंगे। आगे मूनसून की बारिशों का सिलसिला भी शुरू होना है, जब एक घंटे की बारिश के बाद जो ये पानी खड़ा हुआ है इसको नहीं संभाला जा सका तो आगे क्या हाल होगा। मजीद शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा, इतना पानी खड़ा हो गया, कोई टीम्स नहीं आई, कुछ नहीं हुआ कल से? यहाँ तो ये रोड ही वैसे लावारसों का है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा, पहले तो रोड की हालत ख़राब है कि हमारी शॉप्स हैं यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ से पत्थर जाकर शीशों पे लगते हैं, लोगों को लगते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। और पानी का सूरत हाल, मिट्टी की इतनी डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, फिर पानी का आपके सामने सूरत हाल है। ये सुबह मिल के लोगों ने यहाँ से पानी निकाला है अपनी मदद को, तो कुछ हुआ वरना ये चीनों के साथ दुकानों तक जा रहा था पानी। अभी भी बहुत खराब है, ट्रैफिक गुजर रही है, यहाँ से गुजरने का वो था ही नहीं, तो लोग यहाँ से खुद निकाला लोगों ने ना मिल के, तो थोड़ा सा ये रास्ता बना है, हम तो बैठ नहीं सकते, इतनी बुरा तो यहाँ किसने आना, ये तो ऐसे जैसे कि कुछ भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला ना देखने वाला, कुछ कोई टीम्स नहीं आई सुबह, टीम सुबह से नहीं, कभी भी नहीं आई, कोई इसी तरह सूरत हाल है सबकी। इसी तरह जब भी पानी खड़ा होता है लोग, शहरी जो हैं यहाँ के रिहायशी जो हैं, अपनी मदद आपके तहत पानी निकालते हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे अंकल, पानी खड़ा हुआ इतना गंदा? देखो जी, ये तो तब्दीली सरकार का हुकूमत है और हम तो रहने वाले पेशावर का, और मैं अभी नमाज के लिए जाता था तो रास्ते में सारा पानी खड़ा होता, और फिर मैंने किसी से पूछा कि ये हल्का किसका है, तो उसने बोला ये शाह मोहम्मद कुरैशी का हल्का है, वो पहले भी जो है ना हुकूमतों में रह चुका है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी रह चुका है। तो हमने उससे लोगों से पूछा कि यार ये तो दो दफ़ा तीन दफ़ा वज़ीर भी रह चुका है, तो ये इसके हल्के में ये क्या सूरत हाल है, और ये रोज़ाना ये लोग जो है ना लड़ाई और झगड़ों में, अपोजिशन के साथ लड़ाई झगड़ों में पड़ता है, अभी ये मुल्तान का हाल है, और ये इस इलाके से दो तीन दफ़ा मुंतखब हुआ है, तो अगर ऐसा हालात पेशावर में, तो हमारे इलाके से इनका ताल्लुक था तो इनको तो एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। अभी देखो बुज़ुर्ग लोग जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े जो है ना लोगों के गंदे हो रहे, तो ये तब्दीली सरकार का बात है। अच्छा, वज़ीर आज़म जो है ना, ये लोग जो है ना आपस में टीवी पे बैठते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, आवाम का नहीं सोचते। अब ये पानी का मसला है तो यहाँ पे कोई टीम्स नहीं आई, आप मतलब सिर्फ लड़ते रहते हैं? देखो ये तो पहले जो है ना आप, हम तो पेशावर में बल्दिया बोलते हैं जो कमेटी का है, आप लोग इसको वासा बोलते हो, ये तो उनका काम है। तकरीबन एक साल से तो मैं इधर आ रहा हूँ, मेरा इधर जो है ना तिजारत के सिलसिले में आ रहा हूँ हमारे इधर का, तो एक साल से तो हम देख रहे हैं कि ये सड़क में कुछ काम भी नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या बोले कि इन ये जो तब्दीली सरकार है या पंजाब का जो गवर्नमेंट है, तो ये इनको चाहिए कि इनका हल निकाले। जी बिल्कुल, शहरी जो है यहाँ पे, क्योंकि साथ में मस्जिद भी है तो नमाज़ के लिए मुश्किल हो रही है, गंदा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं, परेशानी का सामना हो रहा है। एक और भी हमारे साथ अंकल मौजूद है, उनसे पूछते थे, अंकल नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं आप, इतना गंदा पानी है, कोई टीम्स नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? कोई टीम नहीं है, नमाज के लिए हम जा रहे थे, इतना पानी खड़ा है, तो हुकूमत को चाहिए कि वासी वाले को चाहिए कि वो अंदर आ जाए और इस पानी का वो इसका बुनियादी हल निकाले, ये नहीं कि इधर पानी खड़ा हो आगे से जो ना लोग इधर पेरते हैं उधर पेरते हैं, मतलब कि ये हुकूमत को भी चाहिए, वासा को भी चाहिए कि पानी का ये जो सड़क पे जो पानी खड़ा है इसका वो मुकम्मल इसका इंतज़ाम करें। अच्छा, अभी भी बारिश हो रही है, रिमझिम स्टार्ट है, तो एक घंटे की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकी, अगर अभी 15 दिन बाद मूनसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे तो पानी खड़ा हो जाएगा, कोई टीम्स नहीं आती, कभी भी नहीं आती, कोई भी नहीं आता,
यहाँ कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर कोई नहीं आता तो ये इतना पानी खड़ा हुआ कैसे, मतलब आप लोगों को मुश्किल हो रही है? अभी तो निकाल दिया पानी, अभी गटर खोले दोपहर को। यहाँ खुद खोले आप लोगों ने, खुद किया सारा काम? हाँ जी, सारा खुद किया अपनी, कोई टीम नहीं आई? कोई भी नहीं आई, कोई टीम ही नहीं आई। हर बार ऐसे होता है कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पर जो है शदीद पानी खड़ा हुआ है गंदा, और यहीं पे ट्रैफिक जारी है, और मजीद अभी जो है रिमझिम बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, उनका यही कहना है कि अभी भी इन्होंने जो ये पानी थोड़ा सा कम हुआ है वो खुद अपनी मदद आपके तहत निकाला है। आप मुझे बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे, कल से एक घंटा से बारिश हुई है और कोई नहीं आया? हमारे हल्के से सलमान नहीं बना हुआ है और शाह महमूद बना हुआ है। आशा की टीम्स नहीं आई, कंप्लेन किया आप लोगों ने कभी कोई के यहाँ पे कोई टीम नहीं आती? नहीं, टीम की बात नहीं है, ये जो शाह महमूद का काम है, हुकूमत इनकी है, इनका काम है, ये काम करवाना है जी। यहाँ पे अगर आगे चलना जाए तो आगे चलने का रास्ता मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे यहाँ से चल के जा रहे हैं, गंदे पानी में से चल के जाया जा रहा है। अगर आप देख सकें यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता ही नहीं है चलने का, तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, बच्चे भी हैं यहाँ पर, सारा गंदा पानी है। यहाँ पर दुकानें भी हैं आस पास जिससे मुतासर हो रही हैं, जो ग्राहक हैं इनके ये भी दुकानें भी, दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों से आगे चल के बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि दुकानें हैं यहाँ पर तो दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं, मस्जिद है, घर हैं, सबको परेशानी का सामना है। एक घंटे अंकल कल बारिश हुई है जिसकी वजह से एक घंटे की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकी, आगे जो है 15 दिन बाद मूनसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा, पानी का कोई हल नहीं निकलता। वासा की टीम्स नहीं आती क्या? वासा की टीम कोई भी नहीं आ रही यहाँ पे, उसका नाम क्या, कोई कार आमद नहीं है, ना रोड बन रहा है, ना वासा की टीम यहाँ कोई ऐसी कार्रवाई करती है। अगर आती भी है तो पहले फंड मांगती है कि पैसे दो तो काम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अब इस पानी को कैसे हटाया जाए, कैसे आप लोग खुद हटाते हैं? हम खुद हटाते हैं, ये वासा की टीम नहीं आती है यहाँ पे, कोई कार्रवाई करने नहीं आती। ये यहाँ पे आप दुकानें हैं तो लोगों को तो बड़ा मसला होता होगा आने जाने होता है, ये फुल रोड भरा हुआ था, अभी पानी कम हुआ हुआ है, तकरीबन यहाँ तक पानी आया हुआ था। अब बारिश हो रही है दोबारा से? जी जी, तो ये दोबारा से ये वही सिस्टम हो जाएगा, अगर हम फंड देंगे तो पानी निकलेगा, वरना फंड नहीं देंगे तो पानी नहीं निकलेगा। पैसे लेती हैं टीम? पैसे लेती हैं टीम आगे जी, बिल्कुल। वासा की कारकर्दगी पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इनका यही कहना कि अगर टीम जाती भी हैं तो काम नहीं करती। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, लाइट ट्रैफिक भी गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास दुकानें भी हैं, साथ में जो है गली है, घर है, यहाँ पे लोगों को जो है शदीद मुश्किल का सामना है। और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि अगर वासा की टीम अव्वल तो आती नहीं है अगर बारिश होती है, और अगर आती भी हैं तो इन्होंने जैसे कि कहा फंड मांगते हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, दुकानदारों से चल के बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैं दुकानें हैं तो उनसे चल के बात कर लेते हैं। खाने पीने की भी दुकानें हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, पानी खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएँ पानी खड़ा हुआ है, कोई टीम्स वगैरह नहीं आती पानी हटाने के लिए? नहीं, इधर तो कोई टीम नहीं आती। कैसे हटाते हैं पानी आप लोग, क्योंकि अभी तो एक घंटे की बारिश हुई है, कल इतना पानी खड़ा हो गया है, तो अब दोबारा बारिश हो रही है, रिमझिम का सिलसिला शुरू हो गया है, तो क्या करेंगे, कैसे, मुश्किल होती है आप लोगों को कभी कोई? परेशानी तो होती है, यह तो सोचना चाहिए, लेकिन पानी का वासा की टीम नहीं आई कभी? नहीं, कभी नहीं आई। वासा से लोग यहाँ पे बहुत नाखुश हैं, जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे हमारे भी चलने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो दुकानें हैं आगे घर हैं वो लोग परेशान हैं। और लोगों से चल के आगे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कितनी मुश्किल का सामना है। चौक शहबाज पर मौजूद हूँ, इसी तरह मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी खड़ा हुआ है गंदा, और वासा की टीम्स नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ है और एक घंटे की कल बारिश हुई है, उसके बाद ये गंद है, तो कोई टीम नहीं आई, क्या करते हैं आप लोग, दोबारा बारिश हो रही है? हमारे समझ में नहीं आता ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमने वोट दिया है सलमान नईम को, हमसे अभी भी मोहब्बत करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमें वोट इसी में, यह हमें सूर्यकंड रोड बनाना है। सबसे पहले उनका यही टारगेट था कि सूर्यकंड रोड बनाना है, लेकिन अभी तक चौकशाबाद से लेकर कहीं काम शुरू नहीं हुआ। ये वासा की टीमें पानी हटाने भी नहीं आती, यहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं आता, जब तक रोड पे निकलेंगे फिर वहाँ अब काम की महंगाई इतनी है, और हम काम कर रहे हैं यहाँ रोड पे आए, ये बताओ। आप लोग अपनी मदद आपके तहत हटाते हैं सारा? ऐसे ही होता है यहाँ, हर चीज़ यही होते है, क्या करें हम
जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो है काम करते हैं। पानी जितना भी खराब है, और भी शहरियों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कल बारिश हुई है, रोड पे पानी खड़ा हुआ है, वासा की टीम्स नहीं आई अभी तक, कम्प्लेन की है क्या सर? बारिश नहीं, आप कुछ दिनों बाद आए, यहाँ 12 महीने पानी खड़ा हुआ है। आप तो फंसे, हम आप लोग आए ना, बहुत कम आते हैं, ये तो 12 महीने पानी है, ये तो रूटीन वाले कुआं पड़ा है। ठीक है, हमारे जो बड़े वालों को कभी कम्प्लेन की है कि यहाँ पे आकर ये जो गंदा पानी खड़ा होता है टाइम? बात ये है, वासा वालों ने ना कानों में रुई और आँखों से नबीना है वो, तो उनसे क्या कहें हम? कहा तो उनसे जाता ना, जो सुनने की सलाहियत रखते हैं, उनमें सुनने की सलाहियत ही नहीं है। स्वीपर ही नहीं आता, वासा वाले पानी निकालने के आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे 15 दिन बाद मूनसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, अभी भी बारिश हो रही है, तो क्या करते हैं आप लोग? ये तो बहुत पानी इकट्ठा हो जाता होगा। मैं आपको वही यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना, माशाल्लाह के बस क्या कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे और वो हदायत के दरवाजे बंद हैं। ठीक है, खां कोई भी है, इतना अरसा हो गया, शाह महमूद है या कोई भी हमारे यहाँ इस रोड पर आया है, उसने वोट तो ली है लेकिन इस रोड के बारे में सोचा किसी ने भी नहीं है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? यही है, यही है कि वो स्वीपर ही नहीं आता, वासा वाले के आएंगे। सुबह के टाइम इतना मिट्टी उड़ती है ना, सारा दिन मिट्टी खा के बिना बीमार हो गए हैं लोग। गंदा पानी कैसे हटाते हैं? गंदा पानी तो ये खुद ही खुश्क हो रहा हो, ये नहीं तो ये खड़ा है, वासा वाले नहीं आके साफ करते इसको, कोई भी नहीं आता यहाँ। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, लोग तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं आगे यहाँ पे, क्योंकि रोड भी ख़राब है और पानी भी खड़ा हो गया है। तो लोगों को यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो है पानी हटाया जाता है, और यहाँ पे जो है बच्चे बड़े सभी काफ़ी परेशान हैं। अगर आगे चल के आपको दिखा सकें तो आगे यहाँ पर मस्जिद भी है, और मस्जिद में नमाजी जब जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं क्योंकि कल से जो बारिश हुई है उसकी वजह से। और भी लोगों से आगे चल के बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कितनी मुश्किल हो रही है इस बारिश की वजह से। आगे चल के लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, दुकानों की वजह से काफ़ी इस रोड पर रश भी लगा रहता है, और पानी गंदा पानी इकट्ठा हो गया है। 15 दिन बाद कहते हैं मूनसून का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी अगर देख सके बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बच्चे भी हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं उनको कितना मुश्किल होती है। जी हम नमाज पढ़ने जाते हैं, वो मस्जिद हमारा घर इधर है, यहाँ सारे कपड़े खराब हो जाते, नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, इसलिए पानी कैसे हटाते हैं यहाँ के लोग? फिर कैसे हटाते हैं? पेपर लेके आते हैं, बीच में डालते हैं, सियासत मुश्किलात का काम कर रहा है। गिर घुस जाते हैं लोग क्योंकि इतना गंदा पानी खड़ा, फिसल जाते हैं, मोटरसाइकिल होती है फिसल जाता, टायर फिसल जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सड़क भी ठीक नहीं है और पानी भी नहीं हटाया गया, तो जो एक्सीडेंट है वो भी ज़्यादा होते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे काफ़ी परेशान हैं गंदे पानी की वजह से। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, और यहाँ पे अगर आप देख सकते तो रोड भी टूटा फूटा है, कीचड़ इकट्ठा हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, और लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका यही कहना है कि वासा की टीम सिर्फ अब की बात नहीं है, कभी भी यहाँ पे नहीं आए, और ये वासा की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। एक घंटे की बारिश ने इस रोड का बुरा हाल कर दिया, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गुजरने की जगह नहीं है, इवन के रोड भी क्रॉस नहीं किया जा रहा, इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, वो भी गंदा, और यहाँ पे कोई टीम्स नहीं आई। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। तो लोगों का यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत वो ये पानी जो है हटाते हैं जितना उनसे हो सकता है। इधर कोई टीम्स नहीं आती, बड़े बच्चे दुकानदार खरीदार नमाजी सभी यहाँ पे परेशान हैं। और भी शहरियों से आगे चल के बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। इस वक्त चौक शहबाज पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइएगा अंकल कि यहाँ पे इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है, वासा की टीम्स नहीं आती हैं? नहीं जी, वासा की टीम नहीं आती यहाँ, यहाँ सफाई वाले भी नहीं आते हैं। तो ये गंदा पानी कैसे हटाते हैं आप लोग? ये इधर के हमारे सदर है ना जो, उनसे वो ही पीते हैं सारा पानी। अंकल आप ये अब यहाँ पे तो आगे बारिशों का मजीद सिलसिला शुरू हो रहा है मूनसून की, क्या करेंगे फिर आप लोग, कैसे हटाते हैं गंदा पानी? ये इस इलाके का कोई बंदा नहीं है ज़्यादा सरबराह हो जाओ उसके कर रहे हैं पानी की, साहब ही सिर्फ वोटम वहाँ से आ जाते हैं समझे, और कोई काम करने के लिए नहीं आते इधर। कंप्लेन करने वाला जब कंप्लेन करते आगे जाके बंद हो जाती है कंप्लेन, इधर कोई भी नहीं आता।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इधर कोई भी नहीं आता, और लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। रोड बहुत ख़राब है, पानी खराब है। आप मुझे बताइएगा कि इतना गंदा पानी खराब है, ये वासा वाले नहीं आते, कोई नहीं आता, कोई टीम नहीं आती, 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया, पानी खराब है। नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता? नहीं। और लोगों से आगे चल के बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इतना यहाँ पे जो है रोड का बुरा हाल है, यहाँ पे पानी खराब है, कीचड़ है। और लोगों से पूछते हैं, चलते हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इधर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, कल हुई थी 1 घंटे की बारिश, कोई टीम नहीं आई वासा वालों की? इधर तो कोई नहीं है अभी तक। आता है कोई कभी, बारिश वगैरह होती है तो कोई आता है? अभी आगे तो और मजीद बारिश शुरू हो जाएगी, जाग पड़े तो होता है, वरना नहीं आते यहाँ तो। पानी कैसे हटाएंगे आप लोग, गंदा पानी खड़ा? वैसे खड़ा रहेगा ऐसे, अब जब सूख जाएगा अपने आप ही, गाड़ी वगैरह गुजरेंगे तो सूखेगा। हादसे वगैरह होते हैं फिर, कितना गंदा पानी खराब है? हादसे होते हैं ना, मोटरसाइकिल अब से पेड़ से गुजर रहे होते हो, गटर वगैरह खुला होता है, कोई बीच में जा, सुबह भी एक जाके गिरा वहाँ, पानी खराब है, इस वजह से हादसे भी होते हैं। अंकल आप मुझे बताइएगा, गंदा पानी खराब है, कैसे हटाते हैं, कोई टीम वगैरह आती है? ये 3 दिन तो पानी खड़ा रहता है और बंद रहता है आने जाने ट्रैफिक, और नंबर 2 सड़क जो सी है ना, ये रंगीलपुर से लेकर यहाँ तक कितनी ट्रैफिक है, और इतना 4 साल हो गए सड़क नहीं बन सकी। अब ये गंदा पानी, ये पानी, ये सब्र कर रहे हैं ये लोग? हमारी दुकान है, मिट्टी जोर आती है, ये देखे कोई साफ करने नहीं आता। आगे चले जाए वहाँ पे हर मोटरसाइकिल वाला खड़ा लेकर बंद करके, उनको ख्याल करना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए। अच्छा, आगे अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा मानसून की, तो फिर आप लोग क्या करते हैं जब ज्यादा इतना पानी खड़ा हो जाएगा घोटी तक, और सब खड़े हैं यहाँ पे, किसी को एहसास नहीं है कि आगे पानी सीख करें या कोई मसला करें, हल जलान पे चले जाए वो पानी भरा पड़ा है। दुकानदारी पे भी फर्क पड़ता है? दुकानदारी पे क्या करेंगे, सब्र करते हैं, क्या कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये सड़क बनानी चाहिए उनको, MP MNS साहब को सड़क बनानी चाहिए। वासा की टीम तो नहीं आती पानी हटाने के लिए भी नहीं? वो किस तरह आएगी, वो किस लिए आएगी मुझे बताएं। या हमारे ये लोग भी सब्र करके बैठे, ये भी उठना चाहिए ना इनको, इनको करनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब एक जगह होकर बैठे हुए हैं। आगे चलेंगे थोड़ा सा, इससे बहुत बुरा हाल है हमारा, गुजरना आना जाना नमाज पढ़नी, ये देखें चार चिट्टे पड़ जाते, इन्हें खुद ख्याल करना चाहिए, कोई उनको एहसास करना। हालांकि ये पाकमई रोड है, पाकमई रोड में कुछ भी नहीं, वो देखें सड़क देखें कितनी साफ सुथरी बन गई है, जो सी असल मेन चीज़ है वो नहीं इन्होंने बनाई, कितनी आवाम जा रही है आप देख रहे हैं। आप कम है, थोड़ी देर बाद कल जब ये बारिश खत्म हो जाएगी ना, ज़्यादा ट्रैफिक होगी, कितनी आवाम जा रही है, मेन चीज़ है जो सी ये नहीं ठीक करते, वो परला इलाका ठीक कर लिया उन्होंने, शुक्रिया जी। बिल्कुल, यहाँ पे रोड भी बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है, शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। आप मुझे बताइएगा, गंदा पानी खड़ा हुआ है, कैसे हटाते हैं वासा की? कभी कोई टीम नहीं आई यहाँ पर? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे बीत गए हैं बारिश को, कोई बंदा नहीं आया, पूछा नहीं किसी ने आके यहाँ के मकीनों से? नज़र नहीं आया, मेरी साथ ही शॉप है, सारा दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, कोई नज़र नहीं आया मुझे तो। ऐसा कभी भी ऐसा, जब भी बारिश होती है कभी कोई नहीं आता? हफ्ता हफ्ता यहाँ पे गंदी मचा रहता है, और जितने भी लोग हैं, पानी खड़ा होता है, गंदा कैसे हटाते हैं आप लोग? हम नहीं उठा सकते, कैसे हटाएंगे हम, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये वो नहीं, कोई है ही नहीं, कोई उठता ही नहीं है इसके मामले में। पानी खड़ा रहता है जी, हफ्ता हफ्ता खड़ा रहता है सारा। हादसात तो जहरी बात स्लिप होती है काफ़ी सारी गाड़ी जी। बिल्कुल, क्योंकि गंदा पानी खराब है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे स्लिप हो जाती है बाइक्स वगैरह, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्पीड से बाइक आ रही थी सुबह भी, जो यहाँ पे हादसा हुआ है, गिर गए हैं लोग, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन रोड है, चौक शहबाज पे मौजूद हूँ, पूरा का पूरा रोड जो है इस वक्त गंदा हुआ हुआ है, पानी भरा हुआ है। और लोगों से चल के आगे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्या किन मुश्किलात का उनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे पानी खराब है, गंदा, कोई टीम्स नहीं आती हटाने के लिए, वासा वाले नहीं आए कभी ये पानी हटाने के लिए, 24 घंटे बीत गए हैं बारिश में। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता, कभी भी कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। पानी कैसे हटाते हैं आप लोग? बस गाड़ियाँ चलती हैं, पानी फैल जाता है खुद ही। हादसा तो वगैरह होते हैं? हादसा बिल्कुल होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। कल अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कल इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है तो कोई आता नहीं, वासा की टीम नहीं आई है गंदा पानी हटाने, बारिश को 24 घंटे बीत गए? जब आए मैंने तवज्जो नहीं करते, शाह महमूद का हल्का है, सलमान नईम का, ये आपस में झगड़ते रहते हैं, आवाम की तवज्जो नहीं है, वोट लेके चले जाते हैं, जलील करते हैं। मैं बूढ़ा हूँ और पैदल भी चल नहीं सकता, रक्षा वाले को भी धक्के ऐसे लगते हैं जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो, ये शोर नहीं है, हुकूमत फेल हो गई,
حکومت کو چاہیے توجہ دے, غریب آدمی کہاں جائے. یہ ہم تو, میں 70 سال کی میری عمر ہے, میں 50 سال سے ایسے دیکھ رہا ہوں روڈ کو, سمجھ نہیں آتی یہ لوگ. یہ گند ابھی 15 دن بعد مونسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی, یہ پانی کیسے ہٹاتے ہیں آپ لوگ, پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ روڈ جو بنا کے گئے گندا مندا اکھڑ گیا. یہ واسا والے آئیں توجہ, گڈر صاف کریں, کوئی لائن بنائیں, پانی نکاس ہو جائے, توجہ نہیں ہے. گاڑیاں کہاں آئے واسا والے؟ اب واسا والے ایک دو بندے آئے, وہ گڈر کھول کے چلے گئے, گڈر کھول کے چلے جائے, کوئی توجہ نہیں ہے. اور لوگوں سے آگے چل کے بات کر لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گزرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے, کیچڑ, پانی, گندا روڈ. اور یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی واسا والے نہیں آئے, مجھے بھی چلنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے ابھی سلپ ہو جاؤں گی, بڑا دھیان سے چل رہی ہوں. اور ادھر جو ہیں لوگ جو ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں, ان کا یہی کہنا ہے. آگے چلتے ہیں لوگوں سے بات کر لیتے ہیں آگے جو ہے, کیونکہ یہ مین روڈ ہے, مین روڈ کے آگے جو ہے ادھر گلیاں اور گلیوں میں گھر اور دکانیں بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہاں کے کافی زیادہ پریشان ہیں. انہیں سے چل کے بات کرتے ہیں, انہیں سے جانتے ہیں کہ انہیں جو ہے کن مشکل کا سامنا ہے. کل آپ مجھے بتائیے گا کہ اتنا گندا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, واسا والی کبھی ٹیمز آئی ہیں؟ نہیں جی, نہیں آئی, کبھی بھی نہیں آئی. اتنا گوڈو گوڈو تک پانی کھڑا ہوتا ہے, تو پانی کم ہو گیا. کیسے ہٹاتے ہیں انکل پانی, آپ لوگ خود مل کے اپنی طرح گٹر گٹر کھول دیتے ہیں وہاں, یہ کھول دیتے واپس والے کوئی بھی نہیں آتا. حالانکہ ہمارے خود سلمان نعیم کا یہاں علاقہ لگتا, وہ بھی کام نہیں کرواتے ہیں. اتنے زیادہ یہاں پہ کیچڑ ہے تو یہ حادثے وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں حادثے بھی ہو جاتے ہیں, بائی ٹائم گٹروں کے منہ کھلے ہوتے ہیں ادھر. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی پانی کھڑا ہو جائے, کچھ بھی گندگی ہو جائے, اس سے اپنی مدد کے آپ کے تحت ہٹایا جاتا ہے. واسا کی جو ٹیمز ہیں وہ یہاں پر کل سے نہیں آئی اور نہ ہی آتی ہیں, یہ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے. جی ملتان اور اس سے گرتے نما میں ایک گھنٹے کی بارش نے جو ہے پورے ملتان کو زیر آب لا دیا ہے. ملتان کے بیشتر ایسے شہرہ ہیں جن میں اگر بات کی حسینہ گائے کی, رشید آباد چوک کی, معصوم شاہ روڈ کی, وہ ایسے روڈ ہے جہاں پر جو صبح جو بارش ہوئی ہے صرف ایک گھنٹے کی بارش, اس کی وجہ سے جو کئی فٹ جو پانی ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا. پورا شہر جو وہ اس وقت ابل آیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ واسا کے نے جو تیاریاں کی تھی بارش کے لیے وہ بالکل جو ہے رائے گا جا چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کر دیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ اور جو مانسون ہوا کا سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر داخل ہوگا. تو کیا واقعی میں ضلع انتظامیہ اور واسا ان تمام بارشوں کو جو نیا اسپیل ہے اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک گھنٹے کی بارش نے تو ملتان کا یہ حال کر دیا ہے, اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو مانسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا, تو اس دوران جو ہے کیا صورتحال رہے گی, کیا کس طرح سے ان معاملات کو ڈیل کیا جائے گا؟ میں موجود ہوں اس وقت ملتان کے علاقے محلہ قدیر آباد میں, اور یہاں پر جانیں گے ہم عام لوگوں سے رائے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ واسا نے جو تیاری کی ہوئی ہے کہ واقعی میں وہ کی ہوئی ہے, کہ انتظامات مکمل ان کے تھے جنہوں نے تمام تر یہاں پہ چیزیں کی ہیں. کچھ یہاں پر شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. آپ بتائیے گا انکل جی, ایک گھنٹے کی بارش کی وجہ سے پورے ملتان میں جو ہے زیر آب آ گیا ہے, اب اگر مانسون ہوا کا سلسلہ داخل ہوگا تو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ اس جگہ ساری پانی مطلب 3 بجے ہوئی ہے, ساتھ ہی ہے اور 4 دن کا وہاں پانی کھڑا ہے. جی گاڑی آتی ہے اور گاڑی چلی جاتی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو جو ہے, جیسے بھی یہ بارش کا سلسلہ جو داخل ہوگا مانسون ہوا ہوگا اسے کافی مشکلات سامنا کرنا. کچھ اور شہری مجھے تو ان سے پوچھو سے جانتے, آپ تو بھائی ایک گھنٹے کی بارش سے پورا ملتان زیر آب آ چکا ہے, کئی کئی فٹ شہروں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, اب آئندہ آنے والے جو مانسون ہوا کا سلسلہ جو آئے گا بارشیں بھی آئیں گی, تو آپ کو لگتا ہے واسطہ ضلع انتظامیہ تیار ہیں؟ نہیں 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 تیار نہیں لگتا ہمیں, پانی کھڑا رہے گا ایسے ہی نہیں تیار ہے بھائی جان, پانی اس طرح کھڑا رہے گا جگہ جگہ پہ, کوئی واسا والے نہیں آئیں گے. واسا والے کوئی نہیں آئیں گے, اسی طرح سے جو حالات ہیں اسی طرح سے رہیں گے. شہروں کو یہ ہے کہنا ہے کہ کافی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, ایک گھنٹے کی بارش نے جو پورا ملتان ہے اس کی جو اہم شاہراہ ہے اس کو ڈبو کر رکھ دیا ہے. میں صرف موجود ہوں ملتان کے علاقے محلہ قادر محلہ قدیرہ میں,
यहाँ पर जो सूरतहाल है वहाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसी है कि पानी जो है खड़ा हुआ है यहाँ पर। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए अंकल जी, एक घंटे की बारिश है, पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ चुका है, अब अगर आइंदा आने वाले दिनों में जो मानसून हवाओं की नई बारिश है जो आएंगी, तब कैसे करेंगे जिला इंतजामिया सामना इनका? ये गटर लाइन बंद है, ये खुल जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। ये लाइन चल रही है, पीछे से बंद है, अगर वासा वाले आ जाए ये सड़क भी बच जाएगी जो बकाया बची हुई है। ये तो ये दो दिन में ये सड़क भी फारक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। वासा इतना बड़ा महकमा है, बिल भरते हैं, हम भी बिल भर रहे हैं। खाली दुकान का 280 रुपये का बिल है, पानी इस्तेमाल करें ना करें, हम दुकान का होटल का 280 रुपये महीना है। हाँ जी, कदीराबाद जी, इनका ये कहना है कि वासा इतना बड़ा इदारा है, हमसे बिल तो ले लिया जाता है लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल देखने में नाकिस है। कुछ बुजुर्गवार मौजूद है, आप बताइएगा बुजुर्गवार, एक घंटे की बारिश से पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ चुका है, अब आइंदा आने वाले दिनों में मानसून की जो बारिशें हैं वो होंगी, तो वासा के इंतजाम तैयार हैं? मैं अपने सही काम करें ना तो ये मुश्किल ना पेश आए, सीधी सी बात ये है। महकमे सही काम करें ना, अमला सही काम करे तो ये इंतजाम ना हो, ये ना हो। असल बात होती है कि महकमे की जब रफ्तारी होती है तो फिर ये जाकर मुसीबतें खड़ी होती है, सीधी सी बात है। वैसे भी हमारा मुल्तान नीचे है, ऐसे मुल्तान से है जी। जी इनका ये कहना है कि महकमों को जो है वो सही तरह से काम करना चाहिए, अगर वासा का महकमा सही तरह से काम करेगा तो यहाँ तक ये तमाम सूरत हाल जो है यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद है, नौजवान मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताओ भाई, एक घंटे की बारिश से पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ चुका है, अब आइंदा आने वाले दिनों में नई जो बारिश आएंगी तो मुल्तान का क्या बनेगा, इंतजामिया तैयार है? पहले तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो सड़कें बनी है, ये सड़कें इन्होंने पहले ठीक क्यों नहीं बनाई? अब उधर हम रहते हैं घंटा घर में, उधर इतनी मतलब वो है, थोड़ी सी बारिश आई है, थोड़ी सी तो पानी आ गया, यहाँ तक पानी आ गया है, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई सड़कें पहले ठीक क्यों नहीं बनाई? कहाँ पे कहीं पे ऊँची हैं, कहीं पे नीचे हैं, ये क्या है इनका, ये मतलब सही नहीं है। और आगे मतलब महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आगे भी बारिशें होंगी, ज़्यादा होंगी, और पिछले मतलब साल से भी ज़्यादा होंगी, तो देखते हैं क्या होता है आगे फिर। जी देखते हैं क्या होता है, अभी तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो है तफ्तीशनाक नज़र आ रही है, शहरी जो है काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं अब ज़िले इंतजामिया इकदाम की वजह से, और काफ़ी उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछें कि उनकी राय, उनको क्या लगता है कि वाकई में ज़िले इंतजामिया जो है वो तैयार है, क्योंकि आने वाले दिनों में माहिर मौसमियात की जानिब से जो पेशन भी कर दी गई है कि बारिशें जो है वो होगी, तो बारिश होने की वजह से पानी जो है वो मस्जिद खड़ा हो जाएगा, शहरों की मुश्किलात में मस्जिद इजाफा होगा। मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मोहल्ला कदीराबाद में, जहाँ पर आम लोगों से जान रहे हैं उनकी रह, उनको क्या लगता है? कुछ और शहरी मौजूद है, आप बताओ यार, एक घंटा बारिश आई है मुल्तान में और पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ गया है, अब आने वाले दिनों में माहिर मौसमियात ने पेशन गोई की कि बारिशें आएंगी, तो मुल्तान का क्या बनेगा, वासा तैयार है? नज़र तो नहीं आ रहा, कितने दिनों से पानी यहाँ खड़ा है, पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा, सुबह है, घरों में पानी है, इलाकों में सारा पानी पानी है, गलियों में पानी है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, यहाँ का तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, शहरों का कहना है कि कारकर्दगी किसी भी तरह की नज़र नहीं आ रही। कुछ और शहरी मौजूद है, बुजुर्गवार मौजूद है, आप बताइएगा जनाब, एक घंटे बारिश आई आज सुबह ही और बारिश के कारण से पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आया हुआ है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बारिशें आएंगी, जो कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आएंगी, तो ज़िला इंतजामिया वासा उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे? बात ये जी, हालात ही इतने ख़राब हैं, उन्हें तो फ़ोन करते रहो या बुला तो वो आते ही नहीं, पानी खड़ा है, कोई सुनवाई नहीं होती, यही सूरत हाल है सारी। अब ये तो हुकूमत को चाहिए ना, यूनियन काउंसिलें बनाती हैं, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं होता जी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं अगर आप कह कैमरे मैंने हरूण आपको दिखा सके, मैं भी किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, यहाँ पर गलियाँ जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, पानी है, कीचड़ खड़ा हुआ है, जिस वजह से लोगों को शहरों को शरीर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इंतहाई तकलीफ दे अमल से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है शहरों को। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मोहल्ला कदीराबाद में, और शहरों में यहाँ पर काफ़ी जो है रद्द अमल पाया जा रहा है, शहरों को ये कहना है कि वासा जो है और ज़िले इंतजामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तर तमाशाई बने हुए हैं,
उनको चाहिए था कि वो पहले से इकदामात को बेहतर करते ताकि चीज़ों को जो है सही तरीके से डील किया जा सकता था, लेकिन ज़िले इंतजामिया और वासा की जानेब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। शहरी का यही कहना है, कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, बुजुर्गवार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है कि अगर आने वाले दिनों में बारिशें जो आएंगी तो किस तरह से गुजारा होगा। आप बताएगा बुजुर्गवार, एक घंटे की बारिश आई और एक घंटे की बारिश ने पूरे मुल्तान को जेरे आप लेकर आ गया है, आने वाले दिनों में बारिशों का नया सिलसिला आएगा, क्या लगता है कैसे गुजारा करेंगे? क्या वासा का लग रहा है आपको यकीन है वासा इस तमाम जो तरह सूरत हाल से निमट लेगा? देखो जी, ये खुदा की मर्जी है, जो चाहे वो करें। अगर बारिशें आएंगी पानी खड़ा होगा तो वासा कर लेगा मैनेज? वो तो गंद मच जाएगा, पानी खड़ा होगा, गरीब आदमी बच्चे नहीं लगेंगे, परेशान होंगे, बड़ों के लिए छोटे के लिए बड़ी बड़ी परेशानी है जी, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब मज़ीद जो बारिशें होंगी उसकी वजह से मज़ीद जो मुश्किलात है आम शहरी की जो ज़िंदगी है उससे मुश्किलात में इजाफा होगा, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसे मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मोहल्ला कदीराबाद में, यहाँ पर हम आम शहरों से जान रहे हैं उनकी राय, उनको क्या लगता है कि एक घंटे की बारिश तो यह हाल हो गया। आप बताओ भाईजन क्या हाल चाल है, कैसे हो? यही बात आलम है यहाँ पर पूरे शहर का, यहाँ पर जो बारिश आई है उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक हालत है, शहरियों में बहुत ज़्यादा रद्दमल पाए जा रहे हैं। शहरियों को ये राय सामने आई है कि वासा जो है उनका निज़ाम जो है वो काफ़ी अबतर नज़र आ रहा है पूरे मुल्तान शहर में, जिसकी वजह से जो जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घंटे की बारिश से ये आलम हो गया है। अब चूँका आइंदा आने वाले दिनों में जो महकमा मौसमियात उन्होंने पेशन गोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो बारिशें हैं मानसून का जो सिलसिला है वो दाखिल होगा, तो अब देखना यह है कि वासा जो है इन तमाम तो सूरत हाल से किस तरह से निपटेंगी, किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगी, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है सिर्फ एक घंटे की बारिश हुई चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है वो नाकिस हो चुकी है, लेकिन जो अब नई हवाएँ नई जो बारिशें आएँगी उस तरह से किस तरह मैनेज होगा। मुल्तान जो है सिर्फ और सिर्फ एक घंटे की बारिश जेर आब आ चुका है, मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मोहल्ला कदीराबाद में और यहाँ पर भी शदीद जो सूरत हाल है इंतहाई नाकिस है, सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, पानी खड़ा होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, आम दोस्त में काफ़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर जानते हैं आम शहरियों से उनकी राय, उनको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है आइंदा आने वाले दिनों में अगर बारिशें आएँगी तो महकमा मौसमियात की पेशन के मुताबिक किस तरह से डील करें? कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, बुजुर्गवार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि वाकई अगर बारिशें आएंगी तो किस तरह से मैनेज करेंगे। आप बताएगा जनाब, एक घंटे बारिश आई है मुल्तान में सिर्फ और पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ गया, अब महकमा मौसमियात ने कहा कि मज़ीद जो है बारिशें आएँगी, तो क्या आपको लग रहा है कि वासा वाले इस तमाम तो सूरत हाल से निमट लेंगे? इधर बैग मार रहे हैं, आज चार दिन हो गए हैं ये कुछ ही नहीं कर, उनको पता ही नहीं लग रहा ये बंद कहाँ से है और आगे क्या करेंगे जी। चार दिन से यहाँ पर इस इलाके की ये सूरत हाल है कि गटर लाइन पाइप लाइन बंद है और वासा वाले जो है काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो उसको खोलने पे कुछ और बुजुर्गवार मौजूद हैं। आप बताएं बुजुर्गवार, एक घंटे की बारिश से पूरे मुल्तान में पानी खड़ा हुआ है, अब आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिशों का सिलसिला आएगा तो मुल्तान का क्या बनेगा? ये इस बारिश में ये हाल है तुम्हारे सामने, तो आगे क्या होगा? ये तो अभी पानी उतर गया, ये तो लोगों के घरों में पानी बढ़ा हुआ था, ये परली साइड पे चले जाओ तो लोगों के घरों के अंदर पानी है साथ, कोई अभी तक यहाँ पे निज़ाम नहीं आया, कोई देखा हो आप इन्होंने इसका इंतज़ाम किया हो नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आवाम की इनका यह कहना है कि सिर्फ एक घंटे की बारिश से ये आलम हो चुका है कि जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, अब अगर नई हवाएँ जो आएँगी मानसून की उनसे जो बारिश बरसेगी तो उससे हालात जो है काफ़ी तफ्तीशनाक हो जाएगी, शहरी जो है कहाँ से परेशान नज़र आ रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं, बुजुर्गवार आप बताइएगा मुल्तान में एक घंटा अबरे गर्म बरसा है और अबरे गर्म बरसने से पूरा मुल्तान ज़ेर-ए-आब आ गया सिर्फ एक घंटा, अब आइंदा दिनों महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून की बारिशें होंगी, तो इतने दिनों तक जो बारिशें रहेंगी क्या वासा का जो निज़ाम है बेहतर है, निमट जाएगा सब तमाम? वासा का निज़ाम सही नहीं है, ये सारा पानी जो उनसे है ना ये ख़राब होता है, हर जगह जाते हैं जिधर भी जाते हैं वासा का निज़ाम सही नहीं होता, गटर बंद हो जाते हैं, परेशान होते हैं हम लोग, ये रास्ता भी नहीं गुजरता, आप ये देखो सारा यहाँ से इलावा टीन वाली कुई पे बहुत हर जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, गटर बंद हुए हैं, गटर बंद है हर जगह, बुरी बड़ी बुरी हालत है। कुछ और यहाँ पर बुजुर्गवार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं, आप बताएगा बुजुर्गवार, एक घंटा बारिश से मुल्तान पूरा ज़ेर-ए-आब आ गया है, अब अगर नई हवाएं आने से बारिश जो बरसेगी तो मुल्तानी वाकई उस सूरत हाल में क्या करेंगे कि वासा का निज़ाम इतना बेहतर है कि बारिश से निमट पाए? परेशान है, वासा को कोई इंतज़ाम नहीं है, ये गटर आपके सामने पड़ा है, ये सुबह को बलता रहता है, अब जाके बंद हुआ है, सारा दिन पानी 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 रहता है,
कोई निजाम नहीं, कोई आता नहीं, ना खोलने वाला ना कोई ऐसा कोई आदमी वासा का आता है वर्कर। अब कहते हैं जी, कोई कहते हैं वहाँ बंद है कलमा चौक, कोई कहते हैं जी टीनाली कोई बंद है जी, कोई कुछ कहते हैं, ये है मामला जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो शहरी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक घंटे की वजह से यहाँ पर जो तमाम तरह सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर हो गई है। शहरी जो है खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ और यहाँ पर नौजवान शहरी मौजूद हैं, बुजुर्गवार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनको क्या लगता है कि एक घंटा बारिश से जो पूरा का पूरा मुल्तान जो है वो जेरे आब आ गया है। अब अगर नई हवा को सिलसिला आने से बारिशें बरसेंगी, नहीं थींदा पिया क्या आइंदा, क्या किड़ है पाकिस्तान एक काम करें, तनखावा गेन के उतना घर पैन इतना सारा रोड डूबा पै, इन्हें कोई पूछने वाला कोई कोई नहीं। उदा की कसम गरीब आदमी तो पिस वे उनके वास्ते बड़ी खच खाना मचा पै, कोई कारोबार नहीं कर सकते बंदे, क्या रहा है वैसे जे वे हिसाब उसी क्या रहा सी जी। आवाम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनका यह कहना है कि गरीब आदमी जो है उनको शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक घंटा बारिश से जो है तमाम तरह सूरत हाल वो ये है कि मुल्तान के जो अहम शाहराह हैं वो जेरे आब आ चुके हैं, कई कई फुट मुल्तान की सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। शहरियों का भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी को यही राय है कि आने वाले दिन में बारिश जो है उसे अगर बरसेगी तो उससे सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाएगी। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते उनसे जानते हैं। आप बताओ यार, सिर्फ एक घंटा मुल्तान में बारिश आई है और पूरा मुल्तान जेरे आब आ गया, अब आने वाले दिनों में मजीद बारिश होगी तो वासा आपको लगता है कि इन तमाम तो सूरत हाल से निमट लेगा? ये तो इमरान खान को चाहिए कि वो सोचे। अब आप दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं टेलीकास्ट, तो इमरान खान को पता लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये आप दिखाएंगे, ये आप कवरेज कर रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, निज़ाम इतना ख़राब हुआ पड़ा है। अगर मजीद बारिश आएगी तो क्या लगता है क्या बोलेगा? तो जाहिर है मुल्तान तो वैसे भी खस्ता हालत शहर है, समंदर बन जाएगा और क्या होगा। जी समंदर बन जाएगा, इनका ये कहना है। कुछ और यहाँ पर बुजुर्गवार मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी कह रहा है। बुजुर्गवार आप बताइएगा, एक घंटा मुल्तान में बारिश आई है सिर्फ, और बारिश ही आने से पूरा मुल्तान जेरे आब आ गया। अब आने वाले दिनों में माहिरीन ने मौसमियात ने कहा कि बारिश मजीद बरसेगी, मुल्तान में क्या बनेगा? मुल्तान में बहुत बुरा हाल होगा, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, लोग घर बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, ये जो सफाई करने वाले हैं प्रॉपर ये सफाई करने नहीं आते, आवकावा बिगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब अकेले क्या करेंगे, यहाँ तो आवकावा बिगड़ा हुआ है, आवकावा बिगड़ा हुआ है, सब के सब जो है ना ऐसे ही है, कोई महकमा सही नहीं है, कोई महकमा काम नहीं कर रहा, कोई महकमा काम नहीं कर रहा सही, सब के सब ऐसे ही हैं जी, कोई महकमा काम नहीं कर रहा। इनकी ये राय है कि वासा के जो तमाम तरह मुलाजमीन है सब के सब लोग पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन काम करने नहीं आते। कुछ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है कि उनको क्या लगता है। आप बताओ यार, सिर्फ एक घंटा मुल्तान में बारिश आई है सुबह के वक्त और आप देख रहे हो क्या नज़ारे हैं, अब मजीद दिनों में मजीद बारिश होगी तो मुल्तान का क्या बनेगा? ये कुछ नहीं कह सकते क्या बनेगा, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुकम्मल आवाम लगाएं, यहाँ सफाई करें, यहाँ गाड़ियाँ भेजें। आवाम परेशान है, तीन दिन से भूखी बैठी है, कुछ खा पी नहीं रही, वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, इतना पानी है हम सोच नहीं सकते, काम वाले वो आते नहीं है जी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर में महसूर होकर रह गए हैं शहरी, इनका जो कहना है यहाँ पर सिर्फ एक घंटा बारिश से ये आलम है, अब मजीद जो बारिश बरसेगी तो उससे अल्लाह ही मालिक है। यहाँ पर जो सूरत आल है वो इंतहाई तफ्तीश ना के। कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, जनाब सिर्फ एक घंटा मुल्तान में बारिश आई है कुछ देर और उससे ये आलम है कि पूरा मुल्तान जो है वो जेरे आब आ चुका है, अब मजीद आने वाले दिनों में बारिश बरसेगी, आपको लगता है कि वासा जो है वो तमाम तो सूरत हाल से निमट लेगा? क्या ज़िले इंतजामिया पर आपको यकीन है? सर नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा सर, ये तो चौथा दिन है पानी खड़ा है, बारिश से पहले का पानी खड़ा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट तो लूट लिए बिल्कुल, मुल्क को ख़राब कर दिया, दिल कर दिया। अब देखें कारोबार बंद है, सारा कुछ बंद है, कोई भी काम नहीं हो रहा, जिस आदमी को देखें वो फिर रहा है इधर उधर, किसी के साहब की दुकानें बंद हैं, कुछ कोई कारोबार नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद है, कारोबार ही बंद है लोगों के जी, कारोबार भी नहीं चल रहे हैं, उसका पानी जो खड़ा हुआ उसकी वजह से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बुजुर्गवार आप बताएंगे, मुल्तान में सिर्फ एक घंटा अपरे क्रम बरसा है, उस अपरे क्रम से ये हालात बरपा हुए हैं कि हर गली मोहल्ला जो है वो उबल रहा है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बारिशें जो आएंगी तो वासा जो इन तमाम तो सूरत हाल से निमट लेगा? सर ये एक ही बारिश से आज 4-5 दिन हो गए, बल्कि बारिश से पहले ये सिलसिला शुरू हुआ है, आज भी सारा दिन उनको कहते रहे हैं, बकायदा कंप्लेंट्स किए हैं, नंबर दिया है, सब कुछ किया है, पानी उनसे मसला हल नहीं हो सका, पता नहीं। हालांकि पिछली हुकूमत ने
लाखों रुपए अरबों रुपए खर्च करके यहाँ आप टीना वाली खुई पे देख आए होंगे, यहाँ से सूर्य मानी तक दरिया में सिकंदी नाली तक लाइन बिछाई है। और सूरत हाल ये थी कि पिछले 2-3 साल में यहाँ पानी नहीं निकला। अब पता नहीं उन्हें क्या ऐसी खामोशी है, सुस्ती है, सफाई नहीं कर सके कि ये हालात हो गए हैं। बहुत तंग हैं, कारोबार लोगों के ठप हैं, वहाँ आपने देखा होगा बिल्कुल कितना कितना पानी खड़ा है। खुदा के लिए हम हुकूमत से कहते हैं कि तब्दीली कुछ ये तो तब्दीली उलट चल रही है। जी उलट तब्दीली चल रही है, यहाँ पर शरीर रद्द अमल पाया जा रहा है शहर कुछ और यहाँ पर बुजुर्गवार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बुजुर्गवार ये बताएगा मुल्तान में सिर्फ एक घंटा बारिश बरसी है और पूरा मुल्तान जो है वो जेर आब आ चुका है, उबल रहे हैं मुल्तान की सड़कें इस वक्त। अब आने वाले दिनों में मजीद जो बारिश बरसेगी तो मुल्तान में आपको लगता है कि मुल्तान डूब जाएगा, डूबने से बच जाएगा कि वास्ता संभाल लेगा इन तमाम तो सूरत हाल को? असल में बात यह है कि जहाँ पर जब भी बारिश होती है ना, पानी हर जगह पर इकट्ठा हो जाता है और तमाम आवाम को परेशानी होती है। गाड़ियाँ ज़ोर से यहाँ से गुजारते हैं, बंदों पर छींटें आती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत मसला बना हुआ है। ये आज 4-5 दिन से यहाँ पे गटर लैंड बंद है, पानी दिन ब दिन इकट्ठा होता जाता है, यहाँ पे तकलीफ़ होती है। कारोबारी मदारस हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन तंगी हमें बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं। ये अगर कर सकते हैं आवाम के साथ, ये हुकूमत को कोऑपरेट कर सकती है तो इनकी मेहरबानी है। जी हुकूमत को चाहिए कि गरीब जो लोग हैं उनको कम से कम ये जो सहूलियात हैं बुनियादी वो सहूलियात दें, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस इलाके में। जो ये पहले से इलाका जो है वो ज़ेर आब आ चुका है, मैं सिर्फ मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मौला कदीराबाद में, और यहाँ पर हम जान रहे हैं आम शहरियों से उनकी राय कि सिर्फ एक घंटे बारिश से मुल्तान का ये आलम है। अब मानसून बारिशों का जो नया सिलसिला मुल्तान उसे गिरदनवा में दाखिल होगा तो उससे मज़ीद बारिशें बढ़ सकेंगी, तो उस तरह से उस सिचुएशन में किस तरह से गुजारा होगा जानते हैं। यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनकी राय उनको क्या लगता है कि किस तरह से गुजारा करेंगे, किस तरह से चीज़ें जो है कि वासा जो है वो इन तमाम तो सूरत हाल से निमट लेगा, क्या वाकई में चीज़ें जो है बेहतर हो सकेगी। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछो से जानते हैं। जनाब मुल्तान में सिर्फ एक घंटा बारिश बरसी है और उस एक घंटा बारिश का ये आलम है कि मुल्तान के जो अहम शहर है वो डूब चुकी है, आपको लगता है कि आने वाले दिन जो बारिश आएंगी वास्तव में तमाम तो सूरत हाल से निमट लेगा? नहीं, ये बात नहीं है, वो काम तो कर रहे हैं, जो सीधी बात है वो हम देख भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने लाइनें डाली हैं, लाइनें डाले हुए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह हो गए हैं, लाइनें बंद हो गई हैं। क्या उन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्या उन्होंने लाइनें डाली हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या जिन्होंने डाली हैं वो बेहतर जानते हैं। बहरहाल 6 महीने बाद ये हालत हुई पड़ी है कि सारी लाइनें बंद हैं, यहाँ तो कभी पानी खड़ा भी नहीं होता था, अब ये हालत है। ये 3 दिन हो गए हैं ये सारा गटर उभर रहा है, ये गटर का पानी है। मुल्तान का शुमार तो बड़े शहरों में कर दिया गया है, लेकिन अभी तक तो जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ एक घंटा बारिश बरसी है और हालात जो है इंतहाई अबतर है। शहरियों की यही आज की मैं सब मौजूद था मुल्तान के इलाके मौला कदीराबाद में, शहरियों की यही राय थी, यही कहना था कि इंतजामिया जो है हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। मुल्तान को जो है एक सजने संवारने का जो एक नाम लिया गया था वो सिर्फ दावों के हद तक महदूद रह चुका है, क्योंकि इस एक घंटा बारिश से मुल्तान के जो अहम शहर है घंटाघर चौक, मासूम शाह चौक, चौक कचहरी जैसे जो अहम शहर हैं वो जेर आब आ चुके हैं, कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है। और शहरों को यही राय है कि यही कहना है कि अगर आने वाले दिनों में जैसा कि माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि मानसून हवा को जो नया सिलसिला दाखिल होगा तो उसे अबरे गर्म बरसेगा और मुसलसल बरसता रहेगा, क्योंकि एक नया जो स्पेल है वो जारी रहेगा। तो शहरों को यही राय कि वासा मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुका है और आने वाले दिनों में मुल्तान जो है वो जेर आब आ जाएगा, मुल्तान पूरी तरह से डूब जाएगा। न सिर्फ बारिश बल्कि यहाँ पर जो इलाके हैं मुख्तलि वहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ, जिसकी वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरों की यही राय थी कि आने वाले दिनों में मुल्तान की जो हालत है वो इंतहाई अबतर हो जाए।